हम लोग कल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। संधि, कितने तरह का संधि पढ़ा था? मेन रूप से तीन तरह के संधि के बारे में पढ़े थे, है ना। फिर हमने देखा था कि जो आपका एक था अचल, नॉन मूवेबल, जो किसका मूवमेंट नहीं होता है। दूसरा क्या था? चलने वाला, जो थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल। और तीसरा था फ्रीली मूवेबल। अच्छा, कोई वैसा है जो 126 हड्डी को गिना सकता है? बस तुम गिना सकते हो, बस ठीक है। इधर से कोई गिना सकता है? नहीं, काई बुला गए, याद है? कोई नहीं, सोनी बोलेगी पैर काटी, बोलो बोल। हाँ हाँ पटेला, हाँ पटेला टार्सल, टार्सल ठीक है। समझिए, हम लोग कल जो पढ़े थे, जिसको हमने संधि कहा था, अगर आपका हड्डी से हड्डी का संधि होता है, हड्डी क्या बोलते हैं? अस्थि। अस्थि से अस्थि का अगर संधि होता है, इसको बोलते हैं लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। जब हड्डी से हड्डी का ज्वाइंट हुआ तो क्या बोलेंगे? लिंगामेंट। जब मांस का हड्डी यानी अस्थि से ज्वाइंट होगा, तब इसे बोलते हैं हम लोग टेंडम। क्या बोलेंगे? टेंडम। जब मांस का हड्डी से जुड़ा हो, जैसे आपका मांस हड्डी से जुड़ा है, उसे क्या बोलेंगे? टेंडम। और जब मांस से मांस का जुड़ा होगा, मांस का मांस से जुड़ा होगा, इसे बोलते हैं सेक्युलस। क्या बोलते हैं? सेलुकस, सेलुकस, सेलुकस निकेटर, सेलुकस, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। किस तरह पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो पाचन तंत्र को हम लोग समझते हैं। आपके सामने फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। देखो, ये बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है इस जगह से, अगर साइंस से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, उनमें से दो सवाल डाइजेशन सिस्टम से फिक्स होता है। तो एक अच्छा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम। आगे चल के पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, है ना। इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम को अच्छे समझिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम चीजें यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, और दूसरे को बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है, ग्रंथि। बता रहे हैं मेरे को, पाचन तंत्र के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, कैनाल, और दूसरा आपका होता है ग्लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। इसको बोलते हैं ग्रंथि। कि दोनों को मिला करके हमारा होता है पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। तो इन दोनों में से सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आहार नाल। किधर पढ़ेंगे? आहार नाल। आहार नाल की जो कुल लंबाई होती है, इसकी कुल लंबाई 32 फीट। कितना होता है? 32 फीट। समझ रहे हैं? ये 32 फीट जो है, ये आहार नाल। आहार नाल कहां से शुरू होता है? मुख से लेकर के आपका पूरा जो सिस्टम है, ये सब क्या है? आपका आहार नाल है। इसकी लंबाई करो कितनी होती है? 32 फीट होती है। अभी आगे इसमें चर्चा करेंगे हम कि कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, जैसे। हाँ जी बोलो, अभी सब समझेंगे, चिंता नहीं करो। आहार नाल की जो 32 फीट की लंबाई है, ये है कहां कहां पे, समझिए। सबसे पहले होता है मुख गुहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। जो मुंह का हिस्सा है, तो क्या बोलते हैं? मुख गुहा, यानी कि बकल कैविटी, ठीक है। दूसरा आपका होता है ग्रास नली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड पाइप। क्या बोलेंगे? फूड पाइप। ये मतलब पाइप है ना, इसको बोलते हैं फूड पाइप, ग्रास नली।
इसी को कहा गया था, कहा जाता है इसोग्राफस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसोफेगस, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इसोफेगस, क्या बोलते हैं इसोफेगस। अब यहां पर भी देखो लिखा हुआ इसोफेगस। तीसरा आपका होता है अमाशय, क्या होता है अमाशय, जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक, क्या बोलते हैं स्टमक, या हिंदी क्या बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं जनरल, क्या बोलते हैं पेट, खाना खाते हैं बोलते हैं ना पेट भर गया, पेट भर गया मतलब खाना आपका पहले कहां जाता है इसी अमाशय में जाता है, यह अमाशय जब फूल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं पेट हमारा भर गया। अब ऐसा नहीं कि अमाशय तो भरा तब फूड पाइप यहां तक भर लो, यहां तक भर लो फिर बोलो कि भर गया, यहां तक भरोगे तो कब आ जाएगा कहां बाहर, समझ रहे, इसीलिए हमेशा यहीं तक खाना जब भरा था तो बोलते पेट भर गया, नहीं समझे। इसके बाद आपका आएगा छोटी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 22 फीट 7 मीटर या फिर 22 फीट 6.5 से 7 मीटर 6.5 फीट होता है। इसके बाद क्या आएगा बड़ी आंत, क्या आएगा बड़ी आंत, ये जो आप दिख रहा है ना ग्रीन कलर का ये क्या आपका बड़ी आंत, ठीक है। और लास्ट में आपका आएगा गुदा, ठीक है, एनस, इंग्लिश क्या बोलते हैं एनस, और बड़ी आंत क्या बोलेंगे लॉन्ग इंस्टेंट, सॉरी लॉन्ग इंस्टेंटाइन, सॉरी लार्ज इंस्टेंटाइन, ऐसे क्या बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है आहार नाल के कितने हिस्से हैं 6 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं 6 हिस्से। इन 6 हिस्सों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा, बकल कैविटी, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, फिर पढ़ेंगे ग्रास नली, फिर पढ़ेंगे अमाशय, क्या पढ़ेंगे अमाशय, उससे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, बस वो कर लो उसको, वो कर लो वहीं पर रखे रहो, वहीं पर रखे रहो, बस समझिए। इसे हम क्या बोलेंगे बकल कैविटी, ग्रास नली, अमाशय, अमाशय के लिए हम 3 हिस्से पढ़ेंगे कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत, इसके भी 3 हिस्से पढ़ेंगे, ठीक है, जेजुनम, डेडुनम और पाइलोरिक, क्या पढ़ेंगे इलियम, इलियम, फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत, फिर पढ़ेंगे एनस। तो ये हम इस तरह से हमारा आहार नाल, फिर हम पढ़ेंगे ग्लैंड, ग्रंथि, कौन कौन से ग्रंथि है हमारे शरीर में, 10 ग्रंथि मेन मेजर पढ़ेंगे, जिसमें कुछ बाह्य ग्रंथि होगा, कुछ अंतः ग्रंथि होगा और कुछ मिश्रित ग्रंथि होगा, ठीक है, इनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है, जरा समझिए। तो हम चलते हैं, किसी को नोट डाउन करना, नोट डाउन करते चलो, मिटा दे, मिटा देते हैं, समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी, सबसे पहला ऐसा पढ़ेंगे मुख गुहा, ध्यान समझिएगा, बकल, बकल कैविटी, ये आप देख पा रहे हैं थे, है ना, इसे क्या बोलते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। इसमें 3 चीजें पाई जाती है, 3 चीज पाई जाती है, एक तो दांत, दूसरा जीव और तीसरा लार, ठीक है। जीव का कोई काम नहीं है यहां पे, ये सिर्फ टेस्ट चेक करता है, क्या करता है टेस्ट, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट चेक करने के लिए होता है, ऐसा कोई काम नहीं है। मेन पढ़ेंगे दांत और लार ग्रंथि, दांत और लार ग्रंथि इसमें, ठीक है, दांत और लार ग्रंथि, इसका काम क्या होता है टेस्ट चेक करने में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, किसमें पढ़ेंगे
नाथ। तो हेडिंग क्या देते हैं? इत। क्या देते हैं? इत। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? दांत के अध्ययन को हम लोग ऑडिंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को ऑडिंटोलॉजी कहते हैं। ऑडिंटोलॉजी, डेंटल नाम सुने ना जी? हाँ, तो इसका क्या? ऑडिंटोलॉजी। ठीक है, दांत में हमारे दो चीजें पाई जाती है, एक कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 और कैल्शियम फॉस्फेट CaP4, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, दांत जो होता है ना, ये दो परत होते हैं। अब ध्यान समझिए, ये आपका जैसे टीथ है, ये दांत है, इनके दो परत होते हैं बुआ, एक अंदर के परत और एक बाहरी परत। थोड़ा सा हम जरा, और कोई मार्कर है मेरे पास इधर? समझिए, जैसे ये इसके एक बाहरी परत भी होता है, ये इसके एक बाहरी परत भी होता है, ठीक है। ये बाहरी परत जो होता है इसको बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल। और अंदर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसे क्या बोलेंगे? डेंटाइन। जो अंदर का परत होता है ना डेंटाइन, ये बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, इससे कितने परत होते हैं? दो परत। कौन कौन? एक एनामेल, एनामेल, और दूसरा क्या होता है? डेंटाइन। एनामेल जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, ये ऊपर का जो चमकता हुआ हिस्सा दिखाई देता है ना, ये क्या होता है? एनामेल होता है। ठीक है, और नीचे डेंटाइन, डेंटाइन बहुत ही कमजोर होता है। देखते होंगे किसी के दांत अगर घिस जाते हैं, अब छोटे बच्चों को अक्सर देखते होंगे चॉकलेट खा करके जब दांत ऊपर खराब रहता है तो अंदर खोखला होते टाइम नहीं लगता, तुरंत दांत उसकी खोखली हो जाती है, देखते हैं। इसीलिए ऊपर का जो हिस्सा होता है एनामेल, ये सबसे क्या होता है? मजबूत होता है, ये मजबूत होता है। और ये कैसा होता है? ये कमजोर होता है। ये कैसा होता है? कमजोर होता है। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। क्या ये सारे दांत एक ही बार आ जाते हैं? नहीं जी, 32 दांत होते हैं। इन 32 दांत में से मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? 32 दांत। 32 दांत को 20 दांत को बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं? दूध का दांत, जो दोबारा निकलते हैं। इनमें से 20 दांत जो होते हैं क्या बोलते हैं? दूध का दांत, दूध की दांत, यानी दोबारा आता है, ये आते हैं। और 12 जो होते हैं ये जीवन में एक बार ही आता है। सोचिए ये दांत कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोग इतने लापरवाह हैं कि ब्रश नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट दांत ही वो, अगर दांत नहीं रहा तो ढंग से खाना नहीं खा पाओगे, डाइजेशन नहीं होगा, बीमारी होगी। और लोग सुबह उठ के फिर भी ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, और वो भी दांत एक ही बार आते हैं लाइफ में, दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, अब जरा हम बनावट के आधार पे दांत को चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन दांत को चार भाग है समझते हैं। किसी को नोट करना है नोट करिए, फोटो खींचना है फोटो खींचिए, अन्यथा तो बाद में वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बनावट के आधार पे दांत कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। अब वो चारों तरह को जरा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन चार प्रकार के हैं, जरा इस बात को क्या करते हैं? समझते हैं। पहला, बनावट के आधार पे चार प्रकार की दांत होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं इनसीजर। क्या बोलते हैं? इनसीजर। इन्हें क्या बोलेंगे? काटने वाला दांत। क्या बोलते हैं? काटने वाला दांत। अब यहां पे साथ साथ फोटो भी बना रहा हूं, तो फोटो के साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे।
ये आपका आगे का जो चार दांत होता है इसे क्या बोलते हैं, इनसीजर। क्या होता होगा, इनसीजर। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो दांत होते हैं ये नाक के सामने होते हैं। क्या होते हैं, नाक के सामने, इसीलिए इसे कहा जाता है नोज टीथ। क्या बोलते हैं, नोज टीथ। डाइजेशन सिस्टम में बहुत से ऐसे नाम आप सुने होंगे जो लाइफ में पहली बार सुनेंगे, भले ही आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी क्यों ना हो, इसीलिए समझते चलिए अच्छे से। इसे क्या बोलते हैं, नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने होता है। इसका काम क्या होता है, काटना, पता है, काटना। जैसे आप अमरूद लेते हो, सेब लेते हो, कभी देखा है यहां से काटते हुए, नहीं यहां से, गाजर मूली खाते हो आप, यहां से काटते हो, ठीक है, हाँ, छीलने का काम करते इधर से, और इधर से नहीं, अभी बताएंगे, इंसीजर, क्या करेंगे, उसे कहते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, दूसरा आपका होता है कैनाइन, दूसरा क्या होता है, कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है, बुआ, चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन सा काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने वाला। समझिए, ये जो दांत है ना, इसी के बराबर में होता है कैनाइन। ये दांत जो है ये पहले के जमाने में बड़े बड़े हुआ करते थे। आप आदि मानव को देखेंगे तो क्योंकि वो लोग कच्चा मांस खाते थे या फिर उतना अच्छे से नहीं पका पाते थे। अभी भी जो दांत होते हैं, आप अगर इस कैनाइन को मिलाओगे तो इंसीजर से बड़ा होता है, इंसीजर से बड़ा होता है। कुछ कुछ देखोगे, खास करके फैशन की नगरी में, जो खासकर महिलाओं में, लड़कों में नहीं, कि दांत को बराबर करवा लेगी छिलवा के। और फिर वही जब 35-40 साल बुढ़ापा आएगा तो दांत में गुफा बन जाएगा, उसमें बाघ शेर पालना शुरू कर देगी। और फिर डॉक्टर से कहेगी कि इसमें पुट्टी लेके भर दो, सीमेंट का घोल कर दो इसमें। इसलिए इसी तरह से काम नहीं करिएगा जी, समझिए, ध्यान समझ लूंगा। ये जो चीरने फाड़ने वाला दांत है ना कैनाइन, ये आंख के नीचे है, ध्यान दो, किसके नीचे, आंख के नीचे। दिख रहा चांदाब, नहीं दिख रहा है, आंख से वे तो उरो डंटा नहीं, लेके नीचे, आंख के नीचे। इसलिए से क्या बोलते हैं, आई टीथ। क्या बोलते हैं, आई टीथ। क्या बोलते हैं, आई टीथ। अब समझिए, इसके अलावे आपका होता है, क्या होता है, मोलर, सॉरी प्री मोलर। तीसरा दांत क्या बोलते हैं हम लोग, प्री मोलर। प्री मोलर जो है ये बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। तो प्री मोलर किसमें होगा, सिर्फ बड़ों में होता है। किसमें होता है, सिर्फ बड़ों में होता है, ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है अभी बाद में बताएंगे, संख्या भी मत जाओ अभी, संख्या मत जाओ, प्री मोलर, ठीक है। और चौथा आपका होता है मोलर। क्या होता है, मोलर। मोलर जो होता है ये, अच्छा प्री मोलर काम क्या है, ये चबाने में मदद करता है। क्या करता है, चबाने में मदद करता है। तो बच्चों में अक्सर छोटे बच्चों इतने हार्ड चीज नहीं खाते हैं, तो प्री मोलर की जरूरत उनके अंदर, उनके में नहीं होता है। मोलर जो होता है सब में होता है, ये चबाने का काम करता है, चबाने का काम करता है। ये आपका, थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ये जो आपका होता है इस तरह से होता है, ठीक है, मोलर, ठीक है, आपका होता है मोलर। ये ऊपर के हिस्सा को हम दांत बनाए, जैसा ऊपर है सेम कैसा होता है नीचे, ध्यान समझे हुआ। इसको याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें अच्छा अच्छी बता रहे हो, कोई याद कैसे रहेगा। पहले हम बात करते हैं एडल्ट की, किसकी बात करते हैं, बड़े लोगों की। अगर आपसे पूछा जाएगा बड़े लोगों में दांतों की संख्या कितनी होती है, देखिए ये आपका नाक है, बिल्कुल नाक से नीचे एक लाइन खींचिए, नाक से नीचे अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो आप इस तरह से कुछ डिवाइड करेंगे, करेंगे डिवाइड जी,
ऐसे डिवाइड होगा, यानी कि अब देखो मुंह के एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का, दो हिस्सा हो गया। अब बीच में से और डिवाइड कर दो, तो कितने हिस्से हो गए? चार हिस्से। कितने हो गए? चार हिस्से। अब एडल्ट में चार हिस्से में से एक एक हिस्से को उठा रहे हैं, एक हिस्से को ऊपर और एक हिस्से को नीचे। तो ऊपर में सबसे पहले क्या मिलेगा इसको? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इंसीजर के बाद कनाइन। क्या बोलते हैं? कनाइन। कनाइन के बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद बोलो मोलर। बोलो बोला मोलर। सेम ऊपर सेम नीचे, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या अभी एक चौथा, वन फोर्थ गिनो। इंसीजर से कितनी है? दो। कितना है? कनाइन एक, कनाइन एक, प्रीमोलर दो, मोलर तीन, मोलर तीन। सेम नीचे भी होगा। अब देखिए तीन और दो पांच और एक छह और दो आठ, आठ दुना सोलह दुना बत्तीस। ठीक है, ये किसमें होता है? बड़ों में, एडल्ट में। अगर यही पूछा जाएगा कि आप बच्चों में बताइए, चाइल्ड में, तो कुछ नहीं करना है। इंसीजर होगा तो बच्चों में, हाँ जी होगा, इंसीजर दो होगा। क्या कनाइन होगा? हाँ कनाइन होगा, वो भी एक होगा। क्या प्रीमोलर होगा? नहीं, प्रीमोलर नहीं होगा। मोलर होगा? हाँ जी मोलर होता है। मोलर कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? सेम ऊपर और सेम नीचे। ठीक है, दो और दो चार, चार और एक पांच दुना दस दुना बीस। ये दूध के दांत होते हैं जो दोबारा आते हैं। ठीक है, और वो बारह दांत दोबारा नहीं आते हैं। ये बच्चों में इतने दांत होते हैं और ये बड़ों में इतने दांत होते हैं। बताइए जल्दी जल्दी बोलेंगे, दांत कितने तरह के? चार तरह के। सबसे पहला इंसीजर, उसकी संख्या दो। कनाइन एक, प्रीमोलर मोलर आठ हो गया एक सेगमेंट में, ऐसे कितने सेगमेंट? चार सेगमेंट, आठ चौके बत्तीस। दांत में किसी को दिक्कत नहीं तो ब्रश क्या करिएगा सब अच्छे से, दांत में दिक्कत नहीं है तो। अब समझते हैं वो लार ग्रंथि, क्या समझते हैं? बोलो बुआ समझ में आया? ठीक है, ठीक किया, मिटा दूं। अब समझते हैं लार ग्रंथि, क्या समझते हैं? लार ग्रंथि, सलाइवा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलाइवा। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एक मनुष्य दिन भर में कितना लार निकालता है बुआ? डेढ़ लीटर लार निकालता है। ठीक है, अब गुटखा खाने वाला तो सही बात है, समझ रहे हैं? डेल अगर लार नहीं निकला तो क्या होगा? खाना ही पचना तो छोड़ो, खाना आप अंदर घोट ही नहीं पाओगे। कभी कभी देखते हैं आप घर में भुजिया रोटी खाते हैं सूखा सूखा, तो बहुत तकलीफ होता है, साथ में उसको पानी रखना पड़ता है उसको मिक्स करने के लिए, उसको फिर मसाला बना के फिर अंदर घोटते हैं, नहीं समझे? तो ये लार का काम क्या है? भोजन में मिक्स करना, उसको कैसा बनाना? उसको चिपचिपा बनाना। ठीक है, एक लड़की सुबह वाली बैच में करे सर ऐसे मत पाए तो उल्टी हो जाएगा, खाने खा जाएगा। हमने कुछ मत करना, रोटी खाते खाते हाथ को निकाल लेना, अब देखना लार ग्रंथि कैसे होता है, आप फिर खा लेना उस पर फिर के। ठीक है, तुम्हारी ये लड़की एक दिन वहां पर दुकान में समोसे लिया, सोचे खाते खाते घर जाए तो भैया मांग लेगा, हम देसी मुंह में काटी आलू गया तो आलू निकाल लिया, कोई नहीं देखा ना, फिर फूके मुंह में डाल लिया। अब ऊपर से हम देख रहे थे, समझो डेढ़ लीटर नाल क्या निकलता है? लार निकलता है।
समझिए, मनुष्य के शरीर में मुंह में कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी होती है? तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो इनमें होती है ये ऊपर के हिस्से में होता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरोटाइड। क्या बोलते हैं? पैरोटाइड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पैरोटाइड ग्लैंड, जो मुख के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। मुख के ऊपरी हिस्सा में, ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड? पैरोटाइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? बहुत बार पूछा गया होगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटाइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैरोटाइड ग्लैंड। यही लार जो है ना, ये जो लार है बुआ, ये सांप के मुंह में जो होता है ना, किसके मुंह में? सांप के मुंह में, ये से जहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहर के रूप में काम करता है। सांप काटता है तो क्या करता है? उसके दांत में होता है? नहीं जी, उसके मुंह में क्या होती है? एक थैली टाइप की होती है, उसमें जहर होता है। जब वो दांत काटता है ना, तो एक्चुअली उसका जहर जो है दांत के साथ मुंह में घुलते रहता है। तो दांत काटता है तो दांत के साथ जहर कहां जाता है? ब्लड में। अब ब्लड में आके शरीर में, ब्लड में क्या करता है? जहर फैल जाता है। अच्छी बात है ये, सांप काटता है तो आखिर में ऐसा क्या होता है कि आदमी मर जाता है? क्या और कोई बताओ? तो ठीक बोल रहा है। हाँ बोलो। सांप काटने पर आदमी शरीर में क्या होता है कि आदमी मर जाता है? जहर फैल। क्या करता है वो? इतने सही कहा। हमारे शरीर के जो ब्लड है ना, वो ब्लड को थक्का जमा देता है। ब्लड जम जाता है। जब ब्लड जम जाता है तो जो हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता है, वो चिल्लाता है, ओ ब्लड, ओ ब्लड। ब्लड का थक्का जमा हुआ तो सुतल है। हाँ, अब जब जम जाता है तो हमारा हार्ट कहता है कि लगता है कोई खून नहीं है, सब सूत गया, हम भी सूत जाते हैं। तो भी सूत जाता है, तो आदमी हमेशा के लिए सूत जाता है। ठीक है, हाँ। इसलिए देखते हैं जब ब्लड रोग काटता है ना, तो वहां पे तुरंत आदमी बांध देता है कपड़ा उपड़ा, और वहां पे काट के कोशिश करता है जहर उसका निकाल दे। ठीक है, कि ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। बात समझ में आ रहा है? तो कितने ग्रंथि लार होती है? तीन ग्रंथि। ठीक है, आइए, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो लार ग्रंथि होते हैं ना, इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम जो है एंजाइम, एंजाइम में सबसे पहला का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। ये कीटाणुओं को मारता है। ये क्या करता है? ये कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है जी। ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। समझिए, भगवान को पता है कि जब छोटा बच्चा होगा उस ससुरा को कुछ हाथ में दो ना, तो सीधे मुंह में डाल लेता है। मोबाइल भी ले लेगा पकड़ के, अब मुंह में चबाने लगेगा। नहीं, कुछ भी देखो तो भगवान को पता है कि ये अब उससे सब्जी उब्जी लेकर आओ, बैगन हुआ भी लेके मुंह में डाल लेगा। पत्ता गोभी दे दो, कुछ भी ईटा पत्थर डालेगा उसे भी मुंह में डाल लेगा। उसको लगता है ना कि हर चीज खाने वाली चीज है। तो भगवान को पता है कि ये जो है नालायक है, या कोई भी चीज क्या करेगा? मुंह में डाल लेगा। इसीलिए मुंह में एंटीबैक्टीरियल बहुत ज्यादा दो। तो छोटे बच्चों के मुंह में एंटीबैक्टीरियल बहुत ही ज्यादा देखते हैं। ऐसा होता है क्या कि कुछ भी मुंह में खा लिया बीमार पड़ गया? नहीं होता है, समझे? सिक्का वो अलग चीज है। पर कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम, जो कीटाणुओं को क्या करता है? मार देता है। देखिएगा, छोटे बच्चे होंगे ना, उनकी मम्मी एप्पल काट के उसे देती है, और वो ससुरा खाएगा और जमीन पर रगड़ेगा फिर खाएगा, नालायक होता है ऐसे। हाँ, वो कहीं भी ढूंढता है कि क्या चाशनी किधर है।
कहीं बालू वाले मिल जाए चाशनी तो बालू वाले में डुबा देगा और फिर खाएगा, नहीं अब पानी मिलेगा तो उसमें, तो भगवान को पता है, इसीलिए लाइसोजाइम एंजाइम उसके मुंह में होता है। दूसरा होता है टाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइलिन, कोई नहीं, टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज, ये स्टार्च को पचाता है बुआ, किसको पचाता है, स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड, स्टार्च को क्या करता है, पाचन करता है, स्टार्च जानते हैं किसको बोलते हैं, गेहूं के छिलका देखे है ना, दलिया देखे हैं आप लोग, दलिया में घर क्या पाया था, स्टार्च, नहीं और उसको भी नहीं देखे, गोली मारिए, कैप्सूल खाए ना आप लोग जी, कैप्सूल को देखे हैं, कैप्सूल में से दो भाग होते हैं, बीच में कैप्सूल खोलोगे ना उसके अंदर जो दवाई है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है और ऊपर छिलका उसको प्लास्टिक जैसा दिखता है, बचपन में लगा था प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का नहीं होता है, किसका होता है वो, स्टार्च का बना होता है, किसका होता है, स्टार्च का बना होता है, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्च का बना होता है, स्टार्च को पचाने के लिए कौन कौन, टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज। एक चौथा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूलिन, क्या बोलते हैं, म्यूलिन, म्यूलिन, जिसका काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना, कभी कभी ससुरा यही काम निकलता है तो खाना घोटला ही नहीं जाता है, फिर मम्मी से पानी लेते हैं और एक घोट पानी लेकर उसको मिलाते हैं, मिला के फिर उसको मसाला को अपने लोकेशन में भेजते हैं, हाँ आप देखेंगे बुढ़ापा में ये म्यूलिन काम हो जाता है, तो बुढ़ा आदमी चबाते रहेगा घंटा तक, दादाजी दो रोटी खाने में 2 घंटा लगाएंगे और साथ में 1 लोटा पानी रखेंगे, नहीं देखें तो इसीलिए समझिएगा, तो ये भोजन को चिपचिपा बनाता है कौन, म्यूलिन, बनता है म्यूलिन। ये था आपका मुंह, क्या था, मुंह, मुख गुहा, मुख गुहा में कितने चीज, 2 चीज, दांत और लार ग्रंथि, दांत कितने तरह का, 4 तरह का, दांत में कितने चीज पाए जाते हैं, 2 चीज, अंदर वाले पार्ट क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ऊपर वाले सब क्या बोलते हैं, एनामेल, क्या बोलते हैं, एनामेल, दोनों में मजबूत कौन होता है, एनामेल, कमजोर कौन होता है, डेंटाइन, दांत कितने तरह का, 4 तरह का, सबसे पहला कौन था हुआ, इंसीजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर, फिर हमने पढ़ा लार, मनुष्य के दिन भर में कितनी लार निकलती है, 1.5 लीटर, कितना निकलती है, 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, ठीक है, अरे मैक्सिमम 1.5 लीटर निकलता है, 2 लीटर नहीं बोलेंगे, 1.5 लीटर बहुत होता है, समझिए, लार में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या नाम है, पैरोटाइड, क्या नाम है, पैरोटाइड ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटाइड ग्लैंड, लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, एंजाइम, पहला एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम, क्या नाम है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम किसको मारता है, कीटाणुओं को, किसको मारता है, कीटाणुओं को, दूसरा टाइलिन, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज किसको पचाता है, स्टार्च को, चौथा म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, रिवाइज करके आप लोग आएंगे।